अस्सलाम वालेकुम। मेरे शोहर यहाँ केबीएन हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, दोनों किडनियाँ फेल हुए हैं। हम लोग बहुत परेशान है, जो भी हमारे पास पैसे थे हम खर्चा करें और कर्जे में भी है, अब हमारे पास कुछ भी बजट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर मेहरबानी होती कुछ मदद करेंगे सब लोग तो बहुत अच्छा होता, आप लोगों की बहुत मेहरबानी हो जाती। मेरे शोहर के सब मेहरबानी कर मदद कीजिए, दुआ कीजिए, अच्छा हो जाता। हम लोग विद्यानगर में रहने वाले हैं, परेश मोहम्मद इरफान है, विद्यानगर में रहते हैं हम लोग। दोनों किडनियाँ फेल हुए हैं उनके, ऑटो चलाते थे उन्हों, अचानक तबीयत ख़राब हो गई, मालूम पड़ा लेकर आकर एडमिट करे तो दोनों किडनियाँ फेल हुए, पानी पूरा जिसम में पानी भरे गया बलकर बोल रहे, बहुत ज़्यादा सीरियस है हालत उनकी, वेंटिलेटर पर रखे बच्चे। हम फाइनेंशियली बहुत वीक हुए हैं, हमारे को फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक ही जद्वी है हमारे को। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक लड़का है, बहुत सीरियस है, और आप लोगों की मदद करो, मेरे बच्चों को आप लोग उठाए जैसा होता, मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ में है, रखो मेरा बच्चा बहुत सीरियस है, मेरा बच्चा एक ही है देखने वाला, मेरे को मेरे बच्चे की ज़रूरत है, रखो मेरे को आप लोग मदद करें तो मेरा बच्चा उठ के वेटिंग रखो भैया। शख्स है जो ऑटो ड्राइवर है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माली हालात बहुत ही कमज़ोर है, पिछले कई दिनों से यहाँ पे एडमिट रहने से ये लोग अपने पास जो भी था वो खर्च कर चुके हैं, अभी वो बंदे के दोनों किडनियाँ फेल हुए हैं, अब उनके पास फर्दर इलाज के लिए हालात वैसे नहीं है उनके। अवाम से मेरी अपील है कि भाई जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने तरफ से जो हो सकता वो ये लोगों को ताउन करो, ताकि एक हमारा जो भाई है वो उठकर अपने बीवी बच्चों के माँ के साथ एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके, बेचारे ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। लिहाजा तमाम लोग अगर कुछ मदद करेंगे तो इंशाल्लाह वो एक आदमी की ज़िंदगी बच जाएगी और आपको इसका अजर मिलेगा इंशाल्लाह।